मैं रहमान रहीम, मेरा नाम सलमान अहमद है और आज का जो हमारा टॉपिक से इंग्लिश ग्रामर से है तो वह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, आज कौन सा टॉपिक है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी उनको कहा जाता है, वो टेंस जो जा रहे हो कंटिन्यूस को दूसरा नाम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हमने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो पिछले लेक्चर में कुछ बाकी रह गया था, वो था कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है ना वो इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे। ठीक है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के उनको हम कंटिन्यूस फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थ्री मतलब थर्ड फॉर्म, वो हम परफेक्ट में यूज करेंगे। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले अफर्मेटिव टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव टेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंशाल्लाह इन पर भी हम वीडियो बनाएंगे सेंटेंस के टाइप से, वो भी देख लीजिए। ठीक है, तो अफर्मेटिव बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे? स्ट्रक्चर्स में आपको रिकमेंड, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है, एम है और आर है। ठीक है, इनके बाद क्या लिखेंगे? इनके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे। ठीक है, मेन वर्ब के साथ प्लस आईएनजी लिखेंगे और उनके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यह उनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब वे है, इज, एम, हैव, वाज, वर, एटसेट्रा, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो अफर्मेटिव जुमला बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उनके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इस ही शीरी तो सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे? इस लगाएंगे, आई के साथ एम लगेंगे और प्लूरल जितने भी है यू दे एक्सेट्रा के साथ क्या लगाएंगे? हम आर लगाएंगे। तो मैं आपको कुछ जुमले बता रहा हूँ, इनको देख लीजिए, इनके मुताबिक वो हम हल करेंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आपको चाहिए उर्दू में पहचान क्या है? आ रहा हूँ, तो जिस जुमले में आ रहा हूँ मतलब कंटिन्यूस आ रहा है, तो कंटिन्यूस है तो उनको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो मैं के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? आई। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, अब उनके बाद मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इस है, एम है, आर है, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, आई एम। ठीक है, तो मॉडल वर्ब मेन वर्ब का जो है ना फर्स्ट फॉर्म क्या है? कम है। ठीक है, बता के आई एन जी लगाएंगे तो क्या हो गया? आई एम कमिंग। ठीक है, अगर ऐसे जुमले आ रहा है कि मैं पेशावर से आ रहा हूँ तो फिर हम लगाएंगे आई एम कमिंग फ्रॉम पेशावर, या मैं कहूँ कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। ठीक है, मैं दूसरा जुमला आपको बता रहा हूँ कि वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, कि तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। आप लोग यहां देखिए, कर रहा है ना, जारी है ना, मतलब स्टॉप तो नहीं है ना, जारी है ना, तो उनको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, की तैयारी कर रही है। ठीक है, तो आप लोग यहां देखिए कि ये शी लगेंगे, मतलब फीमेल है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? शी।
तोशी क्या है? पहले भी बताया क्या ही शी इट जो है सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम इस लगाएंगे तो शी इज अ, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया। अब इसे मार में इस लगाया क्योंकि प्लूरल नाउन है। मॉडल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? तैयारी के लिए हम क्या कहते हैं? प्रिपेयर, ठीक है, प्रिपेयर, ठीक है। अब बता के आई एन जी लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आई एन जी लगाएंगे, तो ये है शी इज प्रिपेयरिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, ठीक है। तो ये दूसरा जुमला था। अब मैं बता रहा हूं कि मैं झूठ न मैं वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब मैं आपको तीसरा जुमला बता रहा हूं कि वो खाना खा रहा है, ठीक है, या तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना, तुम खाना खा रहे हो, ठीक है। तीसरा जुमला मैं आपको बता रहा हूं कि तुम खाना खा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग यहां देखें कि रहे हो तो कंटिन्यू से जारी है, ठीक है। तुम सब्जेक्ट है तो तुम क्या, यू सब्जेक्ट आ गया। अब इस आग में क्या लगाएंगे? तुम प्लूरल है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम? आर लगाएंगे, यू आर। तो खाने को हम क्या कहते हैं? ईट। तो मेन वर्ब का क्या फर्स्ट फॉर्म? तो ईट है, आई एन जी लगाएंगे, ईटिंग द मील, ठीक है, ये यू आर ईटिंग द मील, या वो किताबें पढ़ रहा या वो खत लिख रहा है, वो खत लिख रहा है, ठीक है। वो तो वो के लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? ही। यहां देखे रहा है तो मर्द है, तो क्या लगाएंगे हम? ही लगाएंगे, ठीक है। तो ही उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लगाएंगे? ही है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, ही इज। तो लिखने के लिए हम वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं? राइट। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो क्या है? राइट। तो यहां तो बताए ना कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? आई एन जी। तो ही इज राइटिंग द लेटर, खत के लिए क्या है? ही इज राइटिंग द लेटर, ठीक है। अब इनका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? ये तो उनका अफर्मेटिव से, इन अब इनका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो उनका नेगेटिव हम अब बता रहे थे नेगेटिव, ठीक है। तो अब हम इस टेंस का नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो ये है नेगेटिव। अब मैं अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं कि आपको नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो नेगेटिव बनाना है तो उनको कैसे बनाएंगे। तो पहले आपको सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम आर है, ठीक है। तो नेगेटिव है, उनके बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे, ठीक है, और उनके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैं आ गया सब्जेक्ट, तो क्या लगाएंगे हम? आई लगाएंगे, आई के साथ क्या लगता है? एम, आई एम। तो नहीं के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नॉट, आई एम नॉट, ठीक है। तो बोलने के लिए हम क्या कहते हैं? टिल। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? टिल। तो आई एन जी लगाएंगे तो क्या आ गया? टिलिंग, आई एम नॉट टिलिंग ए लाई। झूठ बोलने को हम क्या कहते हैं? लाई। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट टिलिंग ए लाई, ठीक है। हाँ, तो अब फिर बता रहा हूं, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है। आप यहां पहचान देंगे,
रहा है तो कंटिन्यूस जारी है, रही है तो ये भी जारी है, तो अब मैं कर इट इज अ रेन, ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, नेगेटिव है, बारिश नहीं हो रही, इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया, आई एन जी लगाया, ठीक है। इसका बता रहा हूं, वो काना नहीं का रहा, वो काना नहीं का रहा, ठीक है। तो आप लोग यहां देखिए, रहा है चल रहा है, मत के लिए इस्तेमाल होगा, तो हम क्या लगाएंगे, ही, तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ही इज, ठीक है। फिर नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया है, नॉट। फिर काले को हम क्या कहते हैं, ईट, फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है, आई एन जी लगाएंगे, ईटिंग, फिर द मील, ठीक है, ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये तरीका है आपके, आप लोग नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं कि हम इनका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है, इनका हम इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, जब जुमला खत्म हो जाए तो डॉट के साथ इस जुमले को खत्म करने, नेगेटिव वाले को, ठीक है। अब चल रहा है कि, तो अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्टिव टेंस का इंटरोगेटिव बनाएंगे, ठीक है, इनका हम क्या बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सवाल या सेंटेंस, ठीक है। तो सवाल या सेंटेंस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर से आप लोग सारे जुमले को, मतलब के सारे टेंसेस को हल कर सकते हैं। तो सब पहले हम क्या लगाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, पहले हम इज, एम, आर लगाएंगे, ठीक है, इनके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, इनके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे, वन का मतलब है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब, और फिर उनके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहां देखिए कि मैं आपके पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज, एम, आर लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट बनाना है, जब जुमला खत्म हो जाए तो आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन मीन के ये लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ जुमले बना रहा हूं, आप इन स्ट्रक्चर्स को देखकर बताइए, ठीक है, क्या वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग पहले यहां देखेंगे रहा है, ठीक है, तो मर्द है, मेल है, तो हम ही लगाएंगे। तो पहले तो आपको बताया था कि मेल है, तो ही के साथ क्या लगता है, ही सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या बनगा, इज, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, वो ही है ना, तो इज ही, तो फिर क्या लगाएंगे, पढ़ने को हम क्या कहते हैं, रीड, पढ़ना, तो इज ही रीड, मेन वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, आई एन जी, इज ही रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा है, ठीक है, या क्या वो किताबें पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग या बुक, ऐसे भी आता है, ठीक है। क्या वो मुझे ढूंढ रहा है, क्या वो मुझे ढूंढ रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहां देखें कि क्या वो मुझे ढूंढ रहा है, तो पहले हम वो है, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, क्योंकि ही सिंगुलर है, तो इज ही लुकिंग मी, ही इज लुकिंग मी, क्या वो मुझे ढूंढ रहा है, कि इज ही लुकिंग आर सर्चिंग मी, क्या वो मुझे ढूंढ रहा है, ठीक है।
तो ये नेगेटिव जुमले है। अब मैं आपको एक और जुमला बता रहा हूं कि वो है क्या, वो क्या तुम पेशावर जा रहे हो। ठीक है, तो तुम के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? यू इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यू को, यू क्या है? प्लूरल है, तो हम क्या लगाएंगे? आर। तो आर यू। ठीक है, तो जाने को हम क्या कहते हैं? गो। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो है जाने का, और आईएनजी लगाएंगे ना, आर यू गोइंग। तो कहां जा रहे हो? पेशावर जा रहे हो, पेशावर की तरफ। तो टू का हमें क्या सिखा रहे हैं? डायरेक्शन सिखा रहे हैं, आर यू गोइंग टू पेशावर। ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। आप इन स्ट्रक्चर्स को देखिए तो आप तमाम के सारे क्या करेंगे? हल कर सकते हैं। अब चलते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के, वो कैसे हल करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पढ़ा रहे हैं डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, तो डबल आ रहा है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव क्या है? डबल इंटरोगेटिव ये है कि अगर जुमले के दरमियान में किया, क्यों, कहां आ जाए, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे जुमले को हम क्या कहें? डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए पहले आप क्या करेंगे? डब्ल्यू एच वाले फैमिली लगाएंगे, डब्ल्यू एच वाला फैमिली लगाएंगे। ठीक है, डब्ल्यू एच वाला फैमिली क्या है वो मैं बता रहा हूं। फिर जो इंटरोगेटिव का तरीका है वो लगाना है, इज एम आर लगाना है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगाएंगे। ठीक है, और फिर उनके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, डब्ल्यू एच फैमिली का क्या मतलब? डब्ल्यू एच फैमिली कौन है? व्हाई, वेयर, व्हिच। ठीक है, हु, वो, एटसेट्रा। ये क्या है? ये डब्ल्यू एच ओ फैमिली है। तो ऐसे जुमले के अपने स्ट्रक्चर को याद कीजिए तो आप और डबल इंटरोगेटिव मतलब के जुमले के दरमियान में जो कहां आ जाए तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। या मैं आपको बोल रहा हूं कि तुम कहां जा रही हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। ठीक है, तो पहले आप क्या करना है? कहां के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? वेयर इस्तेमाल करते हैं। तो अब मैं यहां लिखूंगा वेयर। ठीक है, अब आप लोग यहां देखिए, तुम हो तो तुम के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? यू। तो यू के साथ क्या लगाएंगे? यू तो प्लूरल है तो आर लगाएंगे। तो पहला वेयर आर। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? तुम कौन हो? यू। वेयर आर यू। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या है? जाने को हम क्या कहते हैं? गो। ये फर्स्ट फॉर्म है, आई एन जी लगाएंगे तो आई एन जी। ठीक है, तुम कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा जुमला बता रहा हूं। वो क्यों रो रही है? वो क्यों रो रही है? ठीक है, आप लोग यहां देखिए, रही है तो रही है का मतलब क्या है? कि वो फीमेल है। ठीक है, औरत है। तो क्यों के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? वाई इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? वाई। डब्ल्यू एच फैमिली से क्या लिखेंगे? वाई। ठीक है, अब ही है तो ही वो है, तो वो के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? या तो फीमेल है तो शी लगाएंगे। तो शी कौन सा है? सिंगुलर नाउन है, तो हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। यहां से वाई इज अ शी रो रही है तो क्राइंग आर वीपिंग। वाई इज शी क्राइंग या वीपिंग। ठीक है, ऐसे बहुत से ज्यादा जुमले हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था।
तो जो भी मसला हो या जहाँ भी मतलब समझना है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह इंग्लिश ग्रामर का जो ये दूसरा टेंस है हमारे लेक्चर्स का, इंशाल्लाह सारे टेंसेस जो पेशे हो डायरेक्ट ये सब इंशाल्लाह एक एक क्लास में हम सिखाएंगे। जो भी मसला हो आप पूछ सकते हो, स्ट्रक्चर से आप सारे जुमले बना सकते हैं जैसे कि मैंने ये बनाया स्ट्रक्चर के मुताबिक सर। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है एमोड एजुकेशन सर, इनको लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए यही करते हैं।